हेलो दोस्तों, डियर मित्रों, में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उसके सिग्निफिकेंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है? तो जो भी हम लोग का मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न है वो हम लोग न्यू इन्वेस्टमेंट में कितना लगा रहे हैं उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। पहले के टाइम पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना यूज़ नहीं होता था, ऑलमोस्ट निगलेक्ट करते थे मैनेजर्स, क्योंकि उस टाइम पर शेयर्स को खरीदना, प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदना या उन्हें पैसे इन्वेस्ट करना कंपनी के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता नहीं था। इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड चेंज होता गया, वैसे वैसे इक्विटीज़, प्रेफरेंस, इन सब का बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ने लगा और तब से ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारे सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या क्या है, जिसमें हम लोग का सबसे पहला पॉइंट है फॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजन, सेकेंड मेंटेनिंग मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, थर्ड हेल्प्स इन डिसाइडिंग वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फोर्थ हेल्प ऑफ न्यू इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटी, फिफ्थ इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड सिक्स्थ फाइनेंशियल डिसीजन। ओके, सबसे पहला हमारा है फॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प्स इन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, स्पेशली इन केस ऑफ कैपिटल बजटिंग। इट इज़ यूज एज अ डिसीजन क्राइटेरिया इन कैपिटल डिसीजन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन के लिए होता है। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब पैसों का लेन देन, स्पेशली इसका ज़्यादा मेन पार्ट जो रहता है वो कैपिटल डिसीजन ही रहता है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट इज ग्रेटर दैन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इन इट, द प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड। अगर आज के टाइम पर कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा है प्रोजेक्ट के अंडर और उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोग का जो भी प्रोजेक्ट रहेगा वो एक्सेप्ट होगा। और इन केस अगर अपोजिट सिचुएशन रही, मतलब कैश फ्लो उतना ही रहा और इन्वेस्टमेंट कम हुआ, तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट रहेगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द रेट ऑफ डिस्काउंट दैट इज़ यूज टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्दर कैश फ्लो ऑन द प्रोजेक्ट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब भी हम लोग आगे की वैल्यू ढूंढते फ्यूचर कैश फ्लो की, तो वो कुछ नहीं रहता, वो नॉर्मली ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही रहता है। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। दूसरी तरीके से आप ये भी बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो अमाउंट रहती है जो हम लोग मिनिमम अमाउंट रहती है जो हम लोग इन्वेस्टमेंट में लगाना चाह रहे होंगे। इट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट विच इज़ यूज टू इवेल्युएट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। उससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि अगर हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाए तो हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, थस मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, कट ऑफ रेट, टारगेट रेट एंड हर्डल रेट आर ऑल सिनोनिम्स यूज फॉर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसको अलग अलग नाम से बोला जाता है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते, प्रोजेक्ट कट ऑफ रेट बोल सकते, टारगेट रेट बोल सकते, ये सारे इसके अलग अलग नाम है। सेकेंड हम लोग का है मेंटेनिंग मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। एन इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंसर्निंग मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर वेल्थ। जब भी हम लोग शेयर होल्डर्स की बात करते हैं या शेयर्स की बात करते हैं, तो हम लोग का मेन यही मोटिव रहता है कि हम लोग ने जो पैसे लगाए शेयर्स में, उस पैसे से ज़्यादा पैसे हम लोग को रिटर्न में मिल सके, वो वेल्थ हम लोग को मिल सके। फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर वेल्थ इट इज़ नेसेसरी दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आर मेंटेन एट द हाई लेवल। अब ये पैसे जो शेयर होल्डर हमारी कंपनी में लगा रहे, तो उन लोग को ये डर रहता है कि हम लोग ने अगर ये कंपनी में पैसे लगाए हैं तो आगे हम लोग को जितना पैसा हम लोगों ने लगाया उतना पैसा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसके लिए हम लोग को मार्केट, हमारी शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी मेंटेन रखनी पड़ती है हाई लेवल पे। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इन फैक्ट दैट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच मेंटेन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट इज करंट लेवल। अगर हम लोग उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ जोड़े, तो ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो शेयर्स के ऊपर हम लोग को मिलता है। इफ़ कंपनी सक्सेड इन रेजिंग इज अर्निंग द मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर विल नेचुरली मूव अबाउट दिस लेवल। अगर कंपनी ने अच्छे से अर्निंग्स बढ़ाए, मतलब अच्छे से इनकम जनरेट किया, तो जो भी हम लोग का मिनिमम शेयर है वो और बढ़ता जाएगा और जो बाहर के लोग हैं, मतलब शेयर होल्डर्स हैं, उनके आंखों में हमारी इज्जत काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हेल्प्स इन डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अ प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी बिल्ड विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक अच्छा खासा कैपिटल स्ट्रक्चर बन सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। द लोअर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल द स्ट्रॉगर कैन बी द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा उतना हम लोग का फर्म का वैल्यू ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट पे लगाने वाला पैसा, अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में कम पैसे लगाए और बदले में हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग को फ़ायदा ही हो रहा है ना। दैट इज़ दे कैन मूव टूवर्ड्स द गोल ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इनका मेन यही गोल रहता है कि कम पैसे लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ लेके जाओ। हैज़ द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी प्लान इन सच ए मैनर दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मेंटेन। इसकी वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर इतना अच्छे से प्लान करना चाहिए कि हम लोग का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो सके। दिस विल रेज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। इसकी वजह से हमारी मार्केट में इज्जत काफ़ी अच्छी हो जाएगी, उसी के साथ साथ शेयर होल्डर हमारे कंपनी में पैसे लगाने में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, फोर्थ हम लोग का है इश्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटी।
इफ एन इन्वेस्टमेंट स्कीम इज फाउंड प्रॉफिटेबल इट मे बी नेसेसरी टू इशू न्यू सिक्योरिटी टू रेज मनी फॉर दिस इन्वेस्टमेंट स्कीम। अगर हम लोग का इन्वेस्टमेंट स्कीम जो हम लोग ने पहले डिसाइड किया वो हम लोग को प्रॉफिटेबल हो रहा है तो हम लोग और नई सिक्योरिटी इशू करके नए इन्वेस्टमेंट उसी टाइप के खरीद सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोवाइड्स गाइडेंस इन डिसाइडिंग विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी शुड बी यूज फॉर दिस पर्पज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हम लोग को ये पता चलता है कि हमको कौन सी टाइप की सिक्योरिटी से पैसे लेने चाहिए, इक्विटी शेयर से लेने चाहिए, प्रेफरेंस शेयर से लेने चाहिए, डिबेंचर से लेने चाहिए या लोन से लेने चाहिए, तो वो हम लोग को क्लियर आउट करके देता है। फॉर टेकिंग सच डिसीजन द फॉलोइंग मस्ट बी टेकन इन टू द कंसिडरेशन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिफरेंस सोर्स ऑफ फाइनेंस, द इफेक्ट ऑन एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन मनी इज रेज थ्रू डेट इंस्टेड ऑफ इक्विटी शेयर एक्सेट्रा। इसमें ये सारे डिसीजन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, तो हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी कैपिटल है, फिर सेकंड हम लोग का अगर हम लोग ने उसमें पैसे लगाए तो उनका हमारा खर्चा कितना होगा और उसमें से हम लोग को फाइनेंस कितना मिलेगा, थर्ड इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट पहले की जाती है और उस कैलकुलेशन के बेस पे जो काफ़ी बेटर ऑप्शन रहता है वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं। हाउ टू रेज द रिक्वायर्ड फाइनेंस कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल एंड दैट ऑफ द रेजिंग एडिशनल कैपिटल। कितना पैसा चाहिए, कहाँ से पैसे चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग को कैसे पता चल सकती है, जो ऑलरेडी कैपिटल हमारे कंपनी के साथ है वो और दूसरा हम लोग को हेल्पफुल रहेगा जो एडिशनल कैपिटल हम लोग रेज करने वाले हैं वो दोनों का कैलकुलेशन से हमको पता चलेगा कि कितनी नई सिक्योरिटी हमको लेके आनी है और वो कहाँ से लेके आनी है। फिफ्थ इवेल्यूटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, द कंसेप्ट ऑफ कैश कॉस्ट कैपिटल इज हेल्पफुल ऑल्सो इन इवेल्यूटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। इससे हम लोग टॉप मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस भी जज कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द न्यू स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी कंपेयर्ड विद द प्रोजेक्टेड ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड इन रेजिंग रिक्वायर्ड फंड इज ऑल्सो एक्सेल। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जब भी उन्होंने नई स्कीम खरीदी हुई है जो इन्वेस्टमेंट में उन्होंने पैसे लगाए उससे जितना प्रॉफिट हुआ उसको पुराने वाले प्रॉफिट से हम लोग कंपेयर करते और अगर वो प्रॉफिटेबल लगा तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो अच्छा है और टॉप लेवल अच्छे से काम कर रहे हैं इससे हम लोग को पता चलता है। सिक्स हम लोग का है फाइनेंशियल डिसीजन, द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंपॉर्टेंट इन मेनी अदर एरियाज ऑफ डिसीजन मेकिंग सच एज डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, कैपिटल बजटिंग डिसीजन एक्सेट्रा। द डिसीजन अबाउट डिविडेंड टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज टू बी रिजर्व इन द कंपनी एंड द अमाउंट ऑफ रिजर्व डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इज कैपिटल कॉस्ट ऑन द वन हैंड एंड पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न इफ इट इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस ऑन द अदर। इससे हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन भी ले सकते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन मतलब कहाँ पे पैसे लगाने, कितना पैसा लगाना है, कहाँ से पैसे लाने, कितना प्रॉफिट होगा, उसमें से कितना रिजर्व हो रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देख सकते हैं और उसी से हम लोग को पता कर सकते हैं कि हम लोग को जो भी इन्वेस्टमेंट में उन्होंने पैसे लगाए वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई करवाने की पूरी कोशिश करूँगी और जिस तरीके से अभी तक हम लोग आपने मेरे को सपोर्ट किया उस तरीके से आगे भी करते रहिएगा और डियर मित्र को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।